भाइयों और बहनों, त्रिपुरा भाजपा का हीरा मॉडल, यहां रोजगार निर्माण के लिए, उद्योग धंधे के लिए बहुत मजबूत आधार बन रहा है। ये निश्चित रूप से डबल इंजन सरकार के कारण संभव हो रहा है। अगर यहां लेफ्ट की सरकार रहती तो मैं दिल्ली से कितनी भी कोशिश करता, यहां ये काम इतनी तेजी से ही नहीं हो पाता। इसलिए याद रखिएगा, त्रिपुरा को चाहिए डबल इंजन सरकार। साथियों, जब दिल्ली और यहां दोनों ही जगहों पर भाजपा की सरकार होती है तो इतने फायदे होते हैं कि गिनाना भी समय कम पड़ जाएगा। आप याद करिए, जब यहां ये चंदा कंपनी, डगर डगर पे चंदा लेने वाले लोग, उनकी सरकार थी, तब गरीबों को मिलने वाला राशन भी सबको नहीं मिलता था। चंदा वसूलने वाले घर पहुंचने से पहले ही गरीबों का राशन लूट लेते थे। लेकिन डबल इंजन सरकार आज सबको मुफ्त राशन दे रही है। हमने ये भी पक्का किया है कि जो राशन हमने भेजा है वो पूरा का पूरा गरीब के घर तक पहुंचे। साथियों, बीमारी की हालत में इलाज का खर्च किसी भी गरीब के सबसे बड़ी चिंता होता है, और इसलिए ही केंद्र की भाजपा सरकार आयुष्मान भारत योजना लेकर आई है। और हमने तो हमारे समाज में देखा है कि अगर कोई मां कोई बहन बीमार हो जाती है, गंभीर से गंभीर बीमारी हो गई हो, तो कभी अपने परिवार के लोगों को पता ही नहीं चलने देती है। वो दर्द सहती है, घर का काम भी करती रहती है, मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखती, लेकिन दुख का पता किसी को चलने नहीं देती। क्यों? क्योंकि उस मां बहन के मन में विचार आता है, अगर बच्चों को पता चल गया कि मुझे ऐसी गंभीर बीमारी है, और अगर अस्पताल ले गए, पैसे तो है नहीं, ये बच्चे कर्ज कर देंगे, ब्याज से पैसा लाएंगे, मैं तो ठीक हो जाऊंगी लेकिन बच्चे जीवन भर कर्जदार रह जाएंगे, मुझे मेरे बच्चों को कर्जदार नहीं बनाना है। और इसलिए मां बीमारी सहती थी, बच्चों को कहती नहीं थी। लेकिन दिल्ली में आपका एक बेटा बैठा है, हर मां का दुख समझता है, हर बहन की पीड़ा समझता है, और इसलिए आयुष्मान भारत योजना से हमने हर परिवार तक, आयुष्मान योजना से अस्पताल में एक भी रुपया खर्च किए बिना उसकी अच्छे से अच्छी सेवा हो, बीमारी जाए, इसके लिए बेटा काम कर रहा है। आप सोचिए, आप जैसे त्रिपुरा के लगभग 2 लाख साथियों ने अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज कराया है, भाजपा सरकार ने जो जन औषधि स्टोर खोला है उससे भी गरीबों के लाखों रुपए बच रहे हैं।